वेलकम टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो ये मेरी आज फर्स्ट क्लास है। आई होप सो कि आप सबको पसंद आएगी। ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, कुछ ही 10 मिनटों की होगी। तो आई विल गिव माई बेस्ट। आज हम स्टडी करने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। थोड़ा बहुत तो आपको पहले से पता ही होगा, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल टेस्ट करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो है जितना रिक्वायर है उतना है या फिर डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो हम उसी कलर पिगमेंट के बारे में आज स्टडी करेंगे जो कि हमारी RBCs के अंदर फाउंड होता है। यस, ये हमारी RBCs के अंदर होता है। फर्स्टली, हीमोग्लोबिन को अगर हमें एब्रिवेट करना हो, यानी कि अगर हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो हम इसे डिनोट कर सकते हैं HB से। यहाँ पर H कैपिटल होगा एंड H जो होगा वो कैपिटल होगा, B स्मॉल होगा। यस फ्रेंड्स, सेकेंड वन इज कि ये जो है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो कि हमारी RBCs के अंदर मिलता है। रेड ब्लड कॉर्पल्स भी बोलते हैं हम इनको, सेल्स भी बोलते हैं। मेन फंक्शन जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन का वो RBCs के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना होता है। जी हाँ, हमारी बॉडी के अंदर जहाँ भी जिस भी टिश्यू को जितनी मात्रा के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उनको कैरी करता है हीमोग्लोबिन थ्रू RBCs, और वो उनको वहाँ पर प्रोवाइड करवा देता है ऑक्सीजन, ताकि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो अच्छी तरह से चलती रहे। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है जिसके अंदर 4 हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप लगे हुए होते हैं, यानी कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो फुली सैचुरेटेड हो जाता है जब 4 हीम ग्रुप्स जो है उसके साथ ऑक्सीजन ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाते हैं, एंड देन वो वहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे बॉडी के टिश्यूज की तरफ चलता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन को अगर हमने ब्रेक डाउन करना हो तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन, जहाँ पर हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट और ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। हीम के अंदर आयरन मेटल होती है जो कि सेंटर के अंदर प्रेजेंट होती है और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि हमारी RBCs का जो रेड कलर होता है वो ड्यू टू HB होता है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे और स्टडी करेंगे हम हीमोग्लोबिन के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।